नकुल नेत्रक, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? वेरी गुड, चलो फिर शुरू करें। ये आपका आ गया वीनस। वीनस ये ब्लू एंड ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? दैट्स राइट, रेड हॉट मार्स। रेड हॉट मार्स। ओके, तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये छोटे प्लैनेट चार हो गए। yes. अब हम चार आउटर प्लैनेट्स पे जाएंगे जो बड़े प्लैनेट्स हैं, गैसियस प्लैनेट्स हैं, ठीक है? गैसियस प्लैनेट्स। ओके, दिस इज जुपिटर। जुपिटर। दिस इज सैटर्न। सैटर्न। इसके रिंग्स देखते ना? दिस इज सैटर्न। 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 और ये है आपका यूरेनस। यूरेनस। और ये है नेपट्यून। नेपट्यून। सबसे बाहर। सबसे बाहर। Okay, so this is our complete solar system. Complete solar system. Sun जो है बीच में रहता है। Sun बीच में है। और ये सारे planets sun के चारों तरफ घूमते हैं। सारे planets अपने orbit में, ठीक है? अपने orbit में। जो Earth का orbit है, वो 365 days का है। बहुत बड़ा है, बड़ा। नहीं, बड़ा मतलब क्या है? मैं बताता हूँ आपको। Earth का जो orbit है, वो 365 days का है। 365 day का? यानी कि 12 months. 12 months. यानी कि 1 year. 1 year. तो जो अर्थ का जो ये देखो, ये आपका नया अपना कैलेंडर आया ना, इसको देखो दोनों, इसमें 12 months हैं, नकुल, और 365 days हैं. Yes. यू जुपिटर गिर जाएगा अगर आगे अपना सैटर्न गिर जाएगा अगर ऐसे मारोगे आपको. तो ये जो आपका नया कैलेंडर आया है, ये आप देख रहे हो. Yes. इसमें टोटल 365 days हैं. 12 months है, 1 year है, जो टाइम अर्थ को लगता है पूरे अपना सन का चक्कर लगाने. मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, वीनस, वीनस, अर्थ, अर्थ, मार्स, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, राइट, नकुल, सैटर्न, राइट, यूरेनस, वीनस, एंड द आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, नेपच्यून, नेपच्यून, डन, डन. इसको आराम से खोलेंगे, जिक्सो मजल है,
इसमें देखेंगे क्या क्या है। ये तो और खा गया मेरे पास। ये सब एक एक तरफ प्लेनेट बने हुए हैं और एक एक तरफ वो बना हुआ है। अरे एक मिनट करेंगे ना, मेरे सबको दूंगा, सबको दूंगा। ये मेरा, ये मेरा। ऐसा नहीं होगा। सो ये क्या है? सन, सन। सुनो मेरी बात, ब्लॉग देखो। जो अर्थ है ना, अर्थ और वीनस जो है वो लगभग एक ही साइज के हैं। वीनस इज 95% ऑफ अर्थ। यस। तो ये रहा आपका अर्थ, तो ये वीनस है। ये मार्स है। मार्स। ये मर्क्यूरी है। ये मर्क्यूरी। ये आपका सन है। ये जुपिटर है, नो डाउट। ये सैटर्न है और ये है नेपट्यून। यूरेनस है। ये रखो ऐसे, एक मिनट, अब हम इनको अरेंज करेंगे, ठीक है बेबी। What is this? Sun. Sun. Very good. Mercury. Mercury. Venus. Venus. Earth. 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 What is this? Moon. Yes. Earth के साथ moon. ये artificial एक satellite है जो घूमते हैं ना Earth के चारों तरफ। तो वो पता है हमारे को जो GPS signal आता है, हम जाते हैं ना कहीं भी, GPS वो सब आता है, वो satellites ऐसे ऊपर जो होते हैं उससे आता है वो। ये है International Space Center. Yes. ठीक है। ये आ गया Mars. इसके बाद में आती है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4 ये 4 प्लैनेट्स जो हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। इसके बाद में आती है ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर जो गैस से बने हुए प्लैनेट्स हैं बड़े, वो आते हैं। उनमें सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ये है नेपट्यून। नेपट्यून। ये कॉमेट है बेटा, ये कॉमेट है। नहीं नहीं वो ऐसे दिखाया है, वो ऐसे लग नहीं रहा उसको, ठीक है। ये यूरेनस है और ये नेपट्यून है, ये कॉमेट है और ये प्लूटो एक छोटा सा, पहले इसको प्लैनेट मानते थे, अब इसको प्लैनेट नहीं मानते, उससे बाहर ये है। तो लास्ट प्लैनेट है नेपट्यून।
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये एलियंस घूम सकते हैं ऐसे, और इसके ऊपर एलियन की जो है आई भी बनी हुई है इसके ऊपर ऐसे आई हो गया। इसको हम लोग ऐसे घुमा के इसके ऊपर फैक्ट्स पढ़ सकते हैं ऐसे करके। वाओ। इनको हम ऐसे लगाएंगे। ये अपना इनकी इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। जैसे अर्थ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो इसको हम यहाँ रखेंगे अपना। इस सारे प्लैनेट्स की हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, टिक कर दो। मैं करूँगा। तो अभी ये इसमें जो पजल है ना, जैसे मतलब कि आपने पूरा अपना सोलर सिस्टम क्रिएट कर दिया, फिर इनके एलियंस के हेड के ऊपर ना, ये एलियंस के हेड के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये फैक्ट्स है। इसको आप उस पर्टिकुलर अपना प्लैनेट के बारे में फैक्ट्स पता लगा सकते हो, सन के बारे में पता लगा सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर तीन तरह के गेम खेले जा सकते हैं। ये इसका टोटल सेटअप है। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने देखा, ये जो पजल है ये डबल साइडेड पजल है, ठीक है। तो इसकी दूसरी साइड पे हमने देखा था सोलर सिस्टम। ओके, यहाँ पर ये जो है ये है स्पेस एक्सप्लोरेशन एसोसिएशन, मतलब कि जब से अपना ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाने लगे हैं या सैटेलाइट छोड़ रहे हैं स्पेस में, उसके बारे में ये दिया है। ये एक टाइमलाइन है यहाँ पे, ठीक है, 1950 से लेके 2000 तक की टाइमलाइन है। yes. जिसमें कि फर्स्ट अपना स्पेस में जो लॉन्च हुआ था, यूरी गैगरिन गया था या लाइका गया था स्पेस में, या अपना मून लैंडिंग थी, या स्पेस शटल जो वापस आया था अर्थ पे। यहाँ पर ये हबल टेलीस्कोप है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, रोवर है, मतलब कि मार्स पाथफाइंडर है। तो ये पूरा एक अपना टाइमलाइन जो कि अर्थ से ह्यूमन बीइंग्स ने स्पेस में एक्सप्लोरेशन किया है, स्पेस में लोग गए हैं, जो सैटेलाइट्स गए हैं या स्पेसक्राफ्ट गए हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस पे दी गई है। ऑलराइट, तो जैसे जैसे बड़े हो गए आप देखना, इसमें ये 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 में क्या क्या हुआ था स्पेस में, है नकुल? Yes. स्पेस पे भेजते ना जो हम लोग स्पेसक्राफ्ट, और ये आदमी मून पे गए थे, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। दिखाता हूँ मैं, इसके पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऑलराइट, शाबाश। ओके गाइस, तो यही आपका आज का वीडियो खत्म होता है। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ओके, नेक्स्ट टाइम हम सोलर सिस्टम के बारे में, सन और अर्थ के बारे में कई नई चीजें सीखेंगे। ऑलराइट।